कोई दो लोग एक पेडागॉजी को एक तरीके से नहीं करते हैं, तो जो पेडागॉजी की बात है, हम ये सेशन बेसिकली पेडागॉजी समझने के लिए कर रहे हैं. हम आर्ट कह रहे हैं, पर आप देखेंगे कि आर्ट में भी वो लिबर्टी ले रहे हैं कहाँ पे आर्ट देना है कहाँ नहीं देना है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आर्ट बोल दिया तो आपको केवल आर्ट की क्लास लेनी है और ज़बरदस्ती उसके माध्यम से समझाना है. इफ़ इट इज़ नेसेसरी तो आप उतना सा देंगे, और आपको लगता है इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो देन मे बी फॉर वन वीक यू डोंट डू एनीथिंग ऑफ आर्ट. रादर जो बच्चों ने आज अनुभव किया ग्राउंड में या क्लास में, उसको आप दोबारा से बटोर सकते हैं, दोबारा से जोड़ सकते हैं. क्योंकि जो अनुभव आर्ट में एक बार कर लिया, जैसे जंपिंग का था, एक बार बच्चे ने कर लिया वो भूलेगा नहीं. जब नंबर देखेगा, जब वो उस तरह का बॉक्सेस बने हुए या ड्राइंग देखेगा, उसे याद आ जाएगा कि मुझे इस पे जंप करके ये पता चला था कि एडिशन ऐसे होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए पीछे जाना होता है. इट ऑलवेज रिमेन्स देयर. हमारे आइस ब्रेकर्स एडिशन पे होने चाहिए, सब्ट्रैक्शन पे होने चाहिए, पर वो लगना चाहिए कि पढ़ाई नहीं है, वो खेल लगना चाहिए. नंबर्स पे होने चाहिए, डिवीज़न पे होने चाहिए, फ्रैक्शन पे होने चाहिए, बच्चों के बनाए हुए. अब रीइन्फोर्समेंट के बाद एक स्तर करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए और आगाह करने के लिए, प्रिकॉशन देने के लिए एक बात जोड़ती हूँ. प्लीज़ ट्राई नॉट टू ब्रिंग टीचिंग एड्स. जो आपको दूसरे पेडागॉजी में शायद सिखाया जाता होगा और बताया जाता होगा, वी इन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आर डेड अगेंस्ट टीचिंग एड्स. हमारे लिए टीचर का सोचना, आपको सिर्फ सोचना है और बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है. लेट देम थिंक. टीचिंग एड्स एंड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ जो हमें बने बनाए प्लास्टिक के पीसेज, अब उसको जोड़ना है, अब उसको ये करना है, इससे आप बच्चों को बहुत ड्राई फिर से कर रहे हो. उनको कुछ सोचना नहीं पड़ा. मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. अनलेस यू पोज प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, जब तक बच्चों के सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक वो सोचेंगे नहीं, वो कुछ क्रिएट नहीं करेंगे. भले ही आपका शुरू शुरू में कुछ टाइम जाए, आप ये देखेंगे विद इन वन मंथ बच्चे आपके साथ इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे और इस ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन के साथ कि आपने कोई भी नया कंसेप्ट दिया, दूसरी क्लासेस से ज़्यादा तेज़ आपके बच्चे सोचेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आपकी जितनी प्रॉब्लम्स कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन में आ रही हैं, आपके इस पेडागॉजी से दूर हो जाती हैं. नॉट दैट यू आर डूइंग टू मच, यू आर योर सेल्फ थिंकिंग एंड क्रिएटिंग स्मॉल ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन. सो आप टीचिंग एड्स ना करें, खुद ना बनाएं. आप ये सोचें, आज जो बच्चों से मैंने कराना है, जैसे बच्चों ने जो ड्राइंग करके आपको इसमें दी फ्रैक्शन की, कि मैं घर से अनार लाया था मैम, उसमें तो इतने दाने हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं दाने नहीं गिन सकता, मैंने अनार को 5 हिस्सों में बांट दिया, तो एक एक फाड़ी या एक उसका जो पोर्शन है वो मेरे इस दोस्त को दिया, इसको दिया, अच्छा जो लिखा है ये है. अब टीचर इसी को लेके ये सारे काम को जो बच्चों ने ड्रॉ किया, वन कि जितने बच्चों के टिफ़िन थे उस सब में जो चीज़ थी उसके हिसाब से उन्होंने रिलीजियसली ऑनेस्टली वो ड्रॉइंग किया, उसको बोर्ड पे लगा दिया. उसके बाद टीचर ये कहते हैं, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो अपनी मैथमेटिक्स की क्लास का ये वाला हिस्सा इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया. आपको पता है, आपको आज ये समझ आ गया कि एक चीज़ को जब इतने हिस्सों में बांटते हैं तो उसके लिखने के लिए 1/5 और 1/6 और 1/10 लिखते हैं. अब आप जानिए कि बच्चे को मैथ्स का डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा और बच्चे को जगह जगह, उसके बाद आप खेल दे दें उनको करने के लिए कुछ भी, जहां उन्होंने क्ले के एक पीस को थपथपाया और 5 हिस्सों में बांटा या 10 हिस्सों में बांटा, बराबर में बांटा या नहीं बांटा, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट हिस्सों में बांट रहा है और बच्चा जान रहा है दिस इज़ 1/10, दिस इज़ 1/5, दिस इज़ 1/6, दिस इज़ ऑल पॉसिबल, योर प्रॉब्लम इज़ ओवर. बट इफ़ यू ब्रिंग थर्मोकोल एड्स एंड ऑल द एड्स, प्लास्टिक मेड एड्स, तो आप तो बोझ बढ़ा रहे, लर्निंग का बोझ अपने बच्चों के दिमाग पे. सो फ्रॉम नाउ दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट ब्रिंग टू मच ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑफ दिस काइंड. मेक योर चिल्ड्रन डू इट, देयर लर्निंग विकम ईजियर एंड फास्टर.
आगे से वो इसे और आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं।